सीबीआई ने 22 फरवरी गुरुवार को पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक के कई ठिकानों पर छापा मारा है। इसके साथ ही दिल्ली में 30 ठिकानों पर भी छापा डाला है। बता दें कि ये कार्रवाई कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में करप्शन को लेकर की गई है। दरअसल गवर्नर रहने के दौरान सतपाल मलिक ने दावा किया था कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की 2 फाइलें क्लियर करने के लिए उन्हें 300 करोड़ की रिश्वत पेश की गई थी। आपको बता दें कि गुरुवार सुबह सीबीआई की टीम ने सतपाल मलिक के दिल्ली वाले घर में छापा डाला। मलिक दिल्ली के आर के पुरम इलाके में रहते हैं। इससे पहले भी सीबीआई ने 2 बार इस मामले में छापेमारी की है। सीबीआई पहले भी दिल्ली, जम्मू और राजस्थान के अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर चुकी है। इसी मामले में गुरुवार को भी देश भर के 30 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, जिसमें सतपाल मलिक का घर भी शामिल है। रिपोर्ट की माने तो जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक ने इस प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था। सतपाल मलिक 23 अगस्त 2018 से 30 अक्टूबर 2019 के बीच जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे थे। इस बीच उन्होंने दावा किया कि उन्हें 2 फाइलों की मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत पेश की गई थी। हालांकि छापेमारी के बाद सतपाल मलिक का एक बयान उनके आधिकारिक एक्स हैंडल से सामने आया है, जिसमें लिखा हुआ है, पिछले 3-4 दिनों से मैं बीमार और अस्पताल में भर्ती हूँ। इसके बावजूद मेरे मकान में तानाशाह द्वारा सरकारी एजेंसियों से छापे डलवाए जा रहे हैं। मेरे ड्राइवर, मेरे सहायक के ऊपर भी छापे मारकर उनको बेवजह परेशान किया जा रहा है, लेकिन मैं किसान का बेटा हूँ, इन छापों से घबराऊंगा नहीं, किसानों के साथ हूँ। सतपाल मलिक, पूर्व गवर्नर। वहीं बात करें कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की, तो कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में चेनाब नदी पर स्थित एक रन ऑफ द रिवर पन बिजली परियोजना है, जिसकी बिजली उत्पादन की क्षमता 624 मेगावाट है। राज्य की बिजली जरूरतों को पूरा करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। हालांकि परियोजना का निर्माण कार्य अभी प्रगति पर है, जो करीब 2025 तक पूरा हो जाएगा। इस परियोजना से राज्य के दूर दराज के इलाकों में बिजली पहुंचने में मदद मिलेगी और साथ ही ये रोजगार के अवसर भी देगा। ये राज्य के आर्थिक विकास में मदद करेगी। कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना साबित होगी। साथ ही ये बिजली जरूरतों को पूरा करने में और राज्य के आर्थिक विकास में भी योगदान देगी।